हिमाचल प्रदेश में वन संपदा को आग से बचाने के लिए विभाग ने वॉलंटियर की सेवाएं लेनी आरंभ कर दी है, जो विभाग के साथ सामंजस्य बनाकर सहयोग करेंगे। वन खेल एवं परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने पत्रकारों को बताया कि अब तक करीब 25,000 स्वयंसेवी बना दिए गए हैं। कोई भी व्यक्ति फॉरम भरकर स्वयंसेवी बन सकता है। हिमाचल प्रदेश में वन संपदा को आग से बचाने के लिए विभाग ने वॉलंटियर्स की सेवाएं लेनी आरंभ कर दी हैं, जो विभाग के साथ सामंजस्य बनाकर सहयोग करेंगे। वन खेल एवं परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने पत्रकारों को बताया कि अब तक करीब 25,000 स्वयंसेवी बना दिए गए हैं। कोई भी व्यक्ति फार्म भरकर स्वयंसेवी बन सकता है। इसके अलावा वन परिक्षेत्र स्तर पर जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि लोगों को जंगलों में आग लगने से वन संपदा व वन्य जीवों को होने वाले नुकसान से अवगत करवाया जा सके। मंत्री गोविंद ठाकुर ने बताया कि वनों में आग लगने की सूरत में आग की सूचना मंत्रालय तक तुरंत पहुंचे, ऐसी मैसेजिंग व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा, अगर कहीं वनों में आगजनी के मामले में विभाग की ओर से कोताही बरती जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने वाहनों के हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को भी गंभीरता से लिया है। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में वाहनों के हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली संस्था से काम वापस लेने के बाद पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट कैसे लगाए समस्या उत्पन्न हो गई है। पुलिस ऐसे वाहनों का चालान कर रही है, हालांकि नए वाहनों को संबंधित वाहन विक्रेता नंबर प्लेट बना कर दे रहे हैं। मंत्री ने इस बारे बताया कि ये मामला ध्यान में आया है, जिस पर जरूर सरकार कोई कदम उठाएगी, ताकि लोगों को परेशानियां ना हो। के मैसेज करने का एक सिस्टम है, जिसमें तुरंत तो उसी वक्त हमको जो है, यानी मुझे भी उसकी खबर मिल जाती है कि कहां पर आग लगी है। तो और उसमें बल्कि हमने बहुत से वॉलंटियर्स बनाए हैं, और लगभग कोई 20-25 हज़ार अभी भी उसके हमारे जो भी फॉर्म इत्यादि हम जगह जगह पर दे रहे हैं। और बल्कि मैं डिपार्टमेंट को यहाँ भी कहूँगा कि सबको उसमें वॉलंटियर बनाए, तुरंत मिनट के अंदर ही वो रिपोर्ट पहुँच जाती है। तो लेकिन यदि उसके बावजूद कहीं पर लगता है कि विभाग नहीं पहुंचा, तो वो वहाँ पर विभाग और हमारे अधिकारी की कमी है, और उसको सख्ती से करेंगे। कुछ मैसेज नंबर आम आदमी के लिए? हाँ, सबके लिए, और उसका मेंबर कोई भी बन सकता है। और मैं तो अभी कहूँगा, कहाँ DFO हमारे कहाँ, वो क्या है हमारा मैसेज नंबर? फॉरेस्ट सर्विस से आता है, मैसेज अलर्ट होते हैं नहीं, अभी तक नहीं, उसका उसका नंबर सर नंबर नहीं, वो वहीं से आता है सैटेलाइट। नहीं नहीं, वो है आपके फॉर्म का है, उसके जो जो वॉलंटियर बनाने वाले हैं ना, वॉलंटियर भी बताएं कहाँ पर कब नहीं, तो निश्चित मंडल भी सर कंसर्न ले रखा है। और बल्कि अभी तो हमने ये भी कहा है कि लगभग जहाँ जहाँ पर ऐसे संवेदनशील इलाके हैं, उन रेंजेस में एक एक दिन की वर्कशॉप करनी चाहिए, वहाँ पर ग्राम पंचायतों